वो है क्या तुम्हारा सिविल कोड या फिर नेपोलियनिक कोड। तो जब हम लोग सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड की बात कर रहे हैं तो ये कब आया था, जब नेपोलियन फ्रांस को रूल करता था, कब से कब तक, 1799 to 1815 तक। आई बात समझ में, इसने सारे पावर्स अपने हाथ में लिए थे 1799 में, और ये फ्रांस का क्या बन गया था, फर्स्ट कंसल बन गया था, यानी कि जिससे परमिशन लेके सारे काम किए जाते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, एक नेपोलियनिक कोड में सबसे पहले क्या हुआ था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है ना, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हटा दी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ क्या कर दी थी, अबॉलिश कर दी थी, राइट टू प्रॉपर्टी मिला था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स क्या हो गए थे, सिंप्लीफाई, फिर से पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ अबॉलिश हो गई, थर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, फोर्थ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स पर सिंप्लीफाइड अबॉलिश। एक और चीज हुई थी, फ्यूडल सिस्टम, पीजेंट्स को सर्वडम से फ्री कर दिया था, गिल्ड्स का रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ था। फिर से बोले, दो चीजें अबॉलिश कर दी, पहला प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ और दूसरा फ्यूडल सिस्टम, ठीक है ना। इक्वालिटी पे वो लॉ आई थी, राइट टू प्रॉपर्टी आया था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन सिंप्लीफाई हो गए थे, पीजेंट्स सर्वडम से फ्री हो गए थे, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हट गई थी, और लास्टली क्या, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गया था, ठीक है। मिलिट्रली क्या नेगेटिव चीज थी, तो बोला पहली बात, नेपोलियन एक ऑपरेसर था, मतलब अत्याचारी था, किन लोगों के लिए, कॉन्कर्ड टेरिटरी के लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, कॉन्कर्ड टेरिटरी के लोगों के लिए, ठीक है। सेकेंडली टैक्सेशन बहुत ज्यादा था, सेंसरशिप बहुत ज्यादा थी, टैक्सेशन बहुत ज्यादा था और सेंसरशिप भी बहुत ज्यादा थी, और मिलिट्री सर्विसेज कंपलसरी थी या मैंडेटरी थी, मिलिट्री सर्विसेज कंपलसरी थी या फिर मैंडेटरी थी, ठीक है। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये हर बार एग्जाम में आए, बहुत जरूरी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि आज तक आया नहीं है, बहुत बार पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है कि फ्रांस में नेशनलिज्म इवोक करने के लिए क्या क्या चीजें की गई थी। तो हम लोग बोलते हैं कि जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हुई थी, कब हुई थी, 1789 में, तो जो पावर है वो कहाँ से ट्रांसफर हो गया था, मोनार्की से फ्रेंच पीपल के पास ट्रांसफर हो गया था, जो पावर था वो मोनार्की से फ्रेंच पीपल के पास ट्रांसफर हो गया था। आइडियाज आए थे, पहला फादरहुड के और सिटीजन के, नया फ्रेंच फ्लैग आया था जिस जो कैसा था, ट्राई कलर, और इसने किसको रिप्लेस किया था, रॉयल स्टैंडर्ड को, नया फ्रेंच फ्लैग कौन सा था, ट्राई कलर, इसने किसको रिप्लेस किया था, रॉयल स्टैंडर्ड को, ठीक है। तो फ्रांस को आजादी का, फ्रांस ने पावर कब लिया मोनार्की से, 1789 में, उस टाइम किसके आइडियाज आए, ला फादरहुड के और सिटीजन के, नया फ्रेंच फ्लैग आया जो कि क्या था, ट्राई कलर, इसने किसको रिप्लेस किया था, रॉयल स्टैंडर्ड को, एस्टेट जनरल को रिप्लेस करके अब यहाँ नेशनल असेंबली बनी थी, एस्टेट जनरल वाज रिप्लेस्ड बाय नेशनल असेंबली, एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम आया था, क्या आया था, एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम आया था, इंटरनल कस्टम ड्यूज अबॉलिश हो गए थे, इंटरनल कस्टम ड्यूज अबॉलिश हो गए थे, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स आया था, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर आया था, और फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द नेशन, फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द नेशन, 1789 याद रखना। वो एब्सोल्यूट मोनार्की से पावर गया लोगों के पास, आइडिया आए फादरहुड के और सिटीजन के, नया फ्रेंच फ्लैग आया जो कि ट्राई कलर था, इसने किसको रिप्लेस किया, रॉयल स्टैंडर्ड को, एस्टेट जनरल को रिप्लेस करके नेशनल असेंबली बनाई गई, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम आया, इंटरनल कस्टम ड्यूज अबॉलिश कर दी है, यूनिफॉर्म वेट्स और मेजर्स आए, फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ये क्या है, सेलिंग फीचर्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लिबरल नेशनलिज्म 2 मार्क में आता है कि लिबरल नेशनलिज्म मतलब क्या होता है, तो हमने बोला इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट और फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, फिर से इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, फ्रीडम ऑफ मार्केट, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या था, इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या था, तो दो चीजें लिखनी है, एक फ्रीडम ऑफ मार्केट, दूसरा अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जोलेवरिन क्या था, कस्टम यूनियन, जोलेवरिन क्या था, कस्टम यूनियन,
कब बना था? 1834 में। कब बना था? 1834। किसके इनिशिएटिव से? प्रूशिया के इनिशिएटिव से। किसके इनिशिएटिव से? प्रूशिया के इनिशिएटिव से। क्या करा? टैरिफ बैरियर्स अबॉलिश कर दिए और नंबर ऑफ करेंसीज 30 से रिड्यूस करके कितनी कर दी? 2। तो ज़ोलेवरिन क्या था? कस्टम यूनियन। कब बना था? 1834। किसके इनिशिएटिव से बना था? प्रूशिया। दो काम करे, टैरिफ बैरियर्स अबॉलिश कर दिए और नंबर ऑफ करेंसीज 30 से रिड्यूस करके 2 पे कर दिए। ओके, नेक्स्ट, कंजर्वेटिज्म क्या था? कंजर्वेटिज्म एक पॉलिसी थी जिसमें बोलते थे मोनार्की जो है, जो राजा है उसको प्रिजर्व करो, चर्च को प्रिजर्व करो, सोशल हायरार्कीज को प्रिजर्व करो। कंजर्वेटिज्म का माहौल कब आया था? कांग्रेस ऑफ वियना के बाद, क्योंकि नेपोलियन बहुत नए नए आइडियाज लेकर आया था। तो नेपोलियन जब बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया तो बोला जितने भी आइडियाज थे नेपोलियन के सबको स्क्रैप करो, पुराना जो चर्च को अथॉरिटी मिलती थी, जो राजा को अथॉरिटी मिलती, इन सबको इनकी अथॉरिटी देकर छोड़ो, यानी कि ऑटोक्रेसी होनी चाहिए। तो कंजर्वेटिव रेजाइम्स पर ऑटोक्रेसी, एक बंदे का राज होना चाहिए। इन इस तरह की गवर्नमेंट को आप बुराई नहीं कर सकते, दे वर नॉट टॉलरेंट टू क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। इन्होंने प्रेस पे सेंसरशिप लगाई कि आप मन से कुछ भी छाप नहीं सकते, आई बात समझ में, और आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। दे डिस्करेज्ड एनी क्वेश्चंस दैट चैलेंज देयर लेजिटिमेसी। मतलब आप मोनार्क को नहीं बोल सकते आपको ये पावर किसने दिया, उनके पास है तो है। इज दैट क्लियर? चलो, कोई भी मजीनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर 2-3 साल छोड़ के इस पे शॉर्ट नोट आता है, ठीक है? तो ग्यूसेप्पे मज़िनी कौन था? एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी था, 1807 में बॉर्न हुआ था, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी का मेंबर बना था। 1831 में इसको देश निकाला कर दिया था, यानी कि एग्जाइल पे भेज दिया था, क्योंकि इसके अंदर नेतागिरी आई और इसने लुगुरिया में लोगों को भड़काया कि सरकार के अगेंस्ट काम करो। तो कौन था? रिवॉल्यूशनरी था। कब पैदा हुआ? 1807 में। किसका मेंबर बना? सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। देश से कब निकाला गया? 1831 में। क्यों निकाला गया? बिकॉज़ उसने लिगोरिया में अपसर्ज अटेम्प्ट किया था। इसने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई जो हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली में कर चुके हैं। कौन सी? यंग इटली मार्सिलीज में और यंग यूरोप बने में। इसको चाहिए था कि यूरोप हम लोग इटली को क्या करे, यूनाइट कर दे इनटू अ सिंगल नेशन। इसे क्या बोला जाता था? वन मोस्ट वॉसिफेरस, वॉसिफेरस मतलब खतरनाक, जिसको हराया न जा सके, मोस्ट वॉसिफेरस एनिमी ऑफ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और मेटर्निक ने बोला ये क्या है? मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसने बोला था, तो मेटर्निक ने बोला था। किसके लिए बोला था? ग्यूसेप्पे मज़िनी के लिए बोला था कि कौन है मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। इज दैट क्लियर? फटाफट, ग्रीक रिवॉल्यूशन कब हुआ था? ग्रीक रिवॉल्यूशन हुआ था 1830 में, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस किससे ली? ओटोमान एम्पायर से। ये ओटोमान एम्पायर इस पे कब से राज कर रहा था? 15 सेंचुरी से, ठीक है? 15 सेंचुरी से ओटोमान एम्पायर किसको रूल कर रहा था? ग्रीस को। ग्रीस वॉज अ पार्ट ऑफ ओटोमान एम्पायर सिंस 15 सेंचुरी। आई बात समझ में? ठीक है, अब हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर नेशनलिज्म हुआ कब? यूरोप में नेशनलिज्म हो रहा था, तो ग्रीक ने बोला हमको भी क्या चाहिए? आजादी चाहिए। किससे आजादी चाहिए? ओटोमान एम्पायर से, ठीक है ना? इसको किसका सपोर्ट मिला? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का। किसका सपोर्ट मिला? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का। जो पोएट थे, जो आर्टिस्ट थे, उनको लगता था नहीं, पुराना ग्रीक कल्चर, ग्रीस का लिटरेचर बहुत अच्छा है। और इन्होंने 1821 के इस रिवॉल्यूशन को क्या किया था? बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। आई बात समझ में? 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, तुम कुछ तो भी बोल देते हो इसको, क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई थी, जिसने ग्रीक को रिकग्नाइज किया, जिसने ग्रीस को रिकग्नाइज किया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या कहते हैं इसे? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
किससे आजादी ली? ओटोमान एम्पायर से। ओटोमान एम्पायर इसको कब से रूल कर रहा था? 15th सेंचुरी से। इनको बुद्धि कब आई? जब यूरोप में नेशनलिज्म की ग्रोथ हो रही थी। 1821 में इन्होंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया। इनको किनसे सपोर्ट किया? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने सपोर्ट किया, पोएट ने सपोर्ट किया, आर्टिस्ट ने, जो किससे इंस्पायर्ड थे? ग्रीक कल्चर और लिटरेचर से इंस्पायर्ड थे। एग्जाम्पल लॉर्ड बायरन। ओके।